क्रेजी क्रेजी स्नोफॉल इतने तेजी से भाई। और इफ्तारी में सिर्फ 2 घंटे बच गए हैं, 2 घंटे में हमें सब कुछ तैयार करके रखना है। ये है मेरा होम टाउन, ये है मेरा घर जहाँ पे मैं रहता हूँ। इस व्लॉग पे 10K लाइक का टारगेट मैं रखता हूँ, 10,000 लाइक्स मुझे इस पे आने चाहिए। अस्सलामुअलैकुम, माह रमजान मुबारक आप सबको। अभी बज गए सुबह के 4 और कोशिश बहुत किया था मैंने कि मैं माह रमजान पहले से ही तुलेल में बिताऊं, जो कि पॉसिबल नहीं हो पाया। और अभी भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं तुलेल जा पाऊं। चॉपर वगैरह की बात करेंगे तो 2-3 दिनों तक उठेगा नहीं। गुरेज जर्नी की बात करेंगे तो बहुत ही अपसेट, दिखाने गया था खूबसूरती पिक्चरस्क ब्यूटी, लेकिन वहाँ का हाल देख कर रोना आ गया। अल्लाह वहाँ के डिपार्टमेंट को भी हिदायत दे काम करने का। फिलहाल हम सहरी खाएंगे, उसके बाद नमाज पढ़ेंगे और सुबह सुबह साया भी उठ गई, हम भी उठ गए, साया भी उठ गई, अच्छी बात है। चलो आ जाओ। अगर हम फजर की बात करेंगे तो हमारे यहाँ है 5:45, पहले नमाज पढ़ के आते हैं। फजर नमाज के बाद मैं सो गया था सीधे और अभी उठे हैं हम। अभी मौसम ऐसा होके रखा है ना कि बारिश हो जाएगी आज। घर से हम निकले नहीं और बारिश ने स्वागत किया बहुत अच्छे से। अब बारिश में क्या करेंगे मुझे वो नहीं पता, जो कुछ होगा देखा जाएगा। जितना हम ऊपर जा रहे हैं, जितना हम आगे बढ़ रहे हैं, उतनी बारिश तेजी से बढ़ती जा रही है। और मेहमान आज के यासिर भाई और वारिस भाई बैठे हैं अंदर, वो बाहर नहीं मान रहे निकलना, बाहर नहीं निकलना है। अच्छा बारिश हो रही है। अभी हम बात करेंगे अपने सफ़र की। तो ये जो पहाड़ है ना, इसके दामन से हमें जाना है, ये पहाड़ी के पीछे, और इस पहाड़ी के पीछे ऊपर एक टॉप है, वहाँ पे हमें पहुँचना है। ये कहाँ, आप भी शिवजन से ही हो, दूध वहाँ पे मिलेगा? अभी आप भी चढ़ते लेकिन जगह ही नहीं है यार, इनको चढ़ाओ किसी ना किसी तरीके से। ये बेचारे, इनको बहुत चलना है ऊपर, ये पहाड़ी क्रॉस ये कब करेंगे, इनको 1 घंटा लगेगा। चढ़ चढ़ चढ़, कोई मसला नहीं, चलो इस पे भी बैठ सकते हो। चलो ड्राइवर, कुछ घुस गया भाई, दो चार आगे। वहाँ चाकू है, खुदा की कसम वहाँ बहुत बड़ा चाकू है, ऊपर उठ ऊपर उठ, चाकू है नीचे, कसम से चाकू है नीचे। लड्डू किस लिए? तैयार करेंगे क्या? लड्डू लाया घर के लिए। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, देखो भाई साहब ने लाया है लड्डू घर के लिए और इसने टॉप गियर लगाया है घर के लिए। खत्म हो गए ये लोग, पागल है। नजर दीन यमन शी, मतलब मुझे असल में अकेले जाना है, क्यों गया इनके साथ? बिस्मिल्लाह। ये लीजिए भाई साहब, यहाँ से हम आ गए। ओए होए होए होए, ये जो आप कर्व देख रहे हैं ना, ब्लाइंड कर्व, ये खूबसूरत सा नज़ारा, ये पूरा त्राल यहाँ से दिखता है लेकिन अभी नहीं दिखेगा। बारिश बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। आई डोंट नो हम टेंट कैसे लगाएं, अब बहुत तेज़ी से बारिश हुई है। वो प्लेस बेस्ट है ना? कौन सी कैंपिंग हम वहाँ पे करेंगे, यहाँ पे हम कैंप लगाएंगे। बर्फ बारिश दोनों, और इस एरिया में अभी बर्फ़ भी गिर रही है। पहले टेंट हम वहाँ पे सेट करेंगे, उसके बाद बाकी चीज़ें करेंगे हम। ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था मैंने, क्योंकि घर में अच्छी खासी धूप थी और बिस्मिल्लाह क्या बारिश है, और बर्फ भी अच्छे से गिर रही है अभी। क्रेजी यार, हाँ यहाँ पे जल्दी जल्दी जल्दी, क्विक क्विक क्विक।
जल्दी इसको ऊपर से डालो वो, नहीं तो पानी जाएगा अंदर। हाथ भी लाल लाल हो रहे और पूरा पानी टपक रहा है बॉडी से। वाटरप्रूफ है जैकेट, लेकिन आई डोंट नो कितना काम करेगा फिलहाल, लेकिन ट्राउजर मेरा वाटरप्रूफ नहीं था। अनएक्सपेक्टेड। इतने जोर से बारिश होगी, ऐसे पत्थर है ना जमीन में, तो पहली बात मेरे हाथ काम नहीं कर रहे, दूसरी बात मैं पूरा गीला हो गया भाई। और हुक्स दे दो मुझे बासित। मुझे घर ले। बस बस पत्थर आ रहा है भाई, मैं क्या करूं? पत्थर दे दो एक बड़ा सा कोई। बड़ा सा ये टाइट हो गया, फिर हमें इशू नहीं है कोई, फिर हम अंदर बैठ सकते हैं। नहीं नहीं यहाँ पे ठीक है, यहाँ नजर हम देख सकते हैं। बड़ा सा उधर से एक हुक लगा इसका, हुक्कड़ में ना पड़ो। ये पत्थर है, ये नहीं जाएगा उमर, इधर जगह चेंज करना। थोड़ा उस साइड से और एक बस हो गया। क्रेजी कसम से, क्या सोचा था और क्या हो गया ये। बासित तू अंदर बैठ, अंदर जा अंदर जा अंदर जा। क्रेजी क्रेजी स्नोफॉल, इतने तेजी से भाई। देखिए जी हमारा मसला और एक है ना, हम जिस काम में निकलते हैं ना फिर हम पीछे नहीं हटते, ये भी और एक मसला है। निकालो ये निकालो और ये स्लीपिंग बैग्स निकालो। आई डोंट नो ये पूरा प्रोसेस जो ये कैसे करेंगे हम। पानी पूरा भीग गया मैं यार, और आज मैंने सोचा लोकल में ही जाना है तो जैकेट वगैरह नहीं तो मैं एक्स्ट्रा उठाता हूँ एक दो, आज तो मैंने वो भी नहीं उठाया। चाकू जेब में रखना इज़ इम्पॉर्टेंट, जब भी आप कैंपिंग पे जाएं या किसी और जगह पे जाएं वहाँ पे आप चाकू जेब में रखें, और पानी ही पानी है फ़ोन में। और इफ्तारी में सिर्फ 2 घंटे बच गए हैं, 2 घंटे में हमें सब कुछ तैयार करके रखना है। बर्फ़ इतने तेज़ी से गिर रही है, आप लोग इमेजिन कर सकते हैं, आवाज़ सुनाई दे रही होगी आपको टिप टिप टिप, जो बारिश की साउंड हमें अच्छी लगती है। और हवा देखो कितनी तेज है। अभी बारिश रुक गई है लेकिन जैकेट ने मुझे साथ नहीं दे दिया, पूरा भीग गया और ट्राउजर भी पूरा भीग गया। शुक्र है कि ये वाला बच गया। अभी बाहर निकलेंगे, बारिश रुक गई है, बाहर आओ और सरप्राइज है आपके लिए। सीरियसली अभी बाहर हो गया। ओ, ओ, बिस्मिल्लाह। ये देखो ये देखो, ओए 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 ओए, ये क्या है भाई। वाओ ये देख लो, क्या सरप्राइज है भाई साहब, खाली वहां तक बर्फ, इसके नीचे कुछ भी नहीं। और जब हम टेंट दे रहे थे ना तब बर्फ का नामो निशान ही नहीं था, अभी देखो वाइट चादर सी है इस पे। और गाड़ी हमारी यहाँ पे, दिस इज अवर थ्राल, है पिक्चरस्क ब्यूटी। आप भी पूरे गीले हो गए हो। पूरा गीला हो गया मैं भी, आप भी हाँ। अभी लकड़ी लाएंगे, वहाँ घर कुछ है उनसे पहले लकड़ी मांगेंगे हम,
उसके बाद वो लकड़ी जलाएंगे, अपने कपड़े सुखाएंगे, बनाएंगे कुछ इफ्तारी के लिए। चलो देखिए भाई, इस नज़ारे में हम कैंपिंग कर रहे हैं आज। और अरे वाह छोटू, कैसा है? बढ़िया। कैसा है छोटू, ये कहाँ से लाया? घर से। देखा भाई, हमारे त्राल में कितने अच्छे लोग रहते हैं ना। ये देखो, और ये नज़ारा देख लो यहाँ पे। आपका नाम क्या है? शाहनवाज। अरे वाह, अरे वाह। आ जाओ, अब एक साथ बैठेंगे वहाँ पे। हाँ चलो आ जाओ। थैंक यू सो मच। अभी देखें कितने अच्छे लोग रहते हैं ना इन सब जगहों पे। क्या नाम है? फरीद। ओ मेरा यार, लास्ट ईयर जब मैं कैंपिंग किया था। अरे ये मेरा दोस्त है पुराना। हाँ अब मुझे याद आ गया, मैंने लास्ट ईयर वहाँ पे कैंप किया था ऊपर, और इन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया था तब। इन्होंने लकड़ी लाई थी, तब भी माह रमज़ान ही था। थैंक यू मेरी जान। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आपको किसने बोला मैं इधर हूँ? लकड़ी लाई कहाँ पे रखेंगे? खुद पता चल गया। कहाँ पे? इधर इधर रख दो, इधर रख दो। आपको खुद पता चल गया? घर में सब कैसे हैं? ठीक। हम यहाँ पे क्यों आ गए इफ्तारी के लिए? हम यहाँ पे क्यों आ गए आज कैंपिंग के लिए? लुक एट द पिक्चरस्क ब्यूटी, दिस इज अवर थ्राल। ये है मेरा होम टाउन, ये है मेरा घर जहाँ पे मैं रहता हूँ। कोई बात नहीं, इसको बंद रखेंगे अभी। टेंट को अच्छे से बंद रखना पड़ेगा, नहीं तो ये पूरा उठ जाएगा अभी। समस्या ये है कि नाइट स्टे करना था, लेकिन कैसे करें? अब मेरे कपड़े सारे गीले हो गए, सारा उल्टा हो रहा है यहाँ पे। आग हम यहाँ पे जलाई है। बच्चू ओ तू ठंड से मरेगा यार, अंदर बैठ। क्या है भाई? वालेकुम सलाम। शाबाश शाबाश शाबाश। मुझे लग रहा है कल से हम ना मेन मार्केट में वो कार्ट एक डालेंगे, फ्रूट चाट व्रूट चाट हम बनाएंगे। माशाल्लाह बढ़िया। बड़ा बड़ा रखना है, छोटा रखना है? छोटा छोटा करना है मगर फास्ट। लग रहा है फ्रिज में।
पर आ गए उतना मौसम ख़राब होता गया, बर्फ स्टार्ट हो गई। लेकिन शुक्र अल्लाह का सोचा नहीं था, आधा घंटा पहले इतनी बारिश हो रही थी ना, बर्फ और बारिश मिक्स। वो बच्चे लोग गए थे उसी वक्त, हाँ ये लेके जाओ उनको, इफ्तारी भी आ गया और बच्चे भी भाग गए। ये बच्चों को दे दो, वेट, हाँ 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 लिफाफे में दे देना। उन्होंने हमारे लिए बहुत लकड़ी लाई और जो ही इफ्तारी नज़दीक को आ गया वो भाग गए सारे। एक काम करो, कुछ लाओ घर से। अभी सीन ऐसा है कि हवाएं बहुत तेज़ी से चल रही है, इफ्तार हमारा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, नमाज भी हमने वहाँ पर पढ़ ली, लेकिन बहुत मुश्किल हो गया क्योंकि हवाएं बहुत तेज़ी से चल रही थी। अभी ये बच्चे लोग भी आ गए फिर से, नज़ारा बहुत खूबसूरत है। रात को रहना था यहाँ पे लेकिन कपड़े गीले हैं मेरे सारे, विच इज़ नॉट पॉसिबल। मैंने सोचा था पहले कि हम लोकेलिटी में है, त्राल में ही है, तो एक्स्ट्रा जैकेट बाकी चीज़ें लाना ज़रूरी नहीं है, बट मौसम एक सेकेंड में पलटी मार दिया और अभी टेंट वेंट वगैरह उठाएँगे। क्या सर इसको पकड़िए, टेंट नीचे जाएगा, ये नीचे जाएगा, पकड़, इसके हुक्स मैंने निकाल दिए सर। क्या कर रहा है इधर मुश्नेर, हवाएं देखो कितनी तेजी से चल रही है, ये टेंट जो है ना ये अभी उधर होगा। अभी देखें आप नजारा शाम का, पूरा त्राल चमक रहा है माशाल्लाह। हमारा बीस्ट फुल तैयार और हम इस नज़ारे को करते हैं बाय बाय, लेकिन पहले हम चाय पियेंगे यहीं पे। अभी ओवरऑल इस जगह भी बहुत अच्छा लगा, लेकिन नाइट कैंप भी करेंगे। हवाएं अभी भी नहीं रुक रही है, बहुत तेज़ी से हवाएं बढ़ती जा रही है। शुक्र है कि इफ्तारी का टाइम बारिश नहीं हो गई, मौसम ने तब साथ दे दिया, लेकिन कैंप लगाने के टाइम बहुत बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अभी आगे बढ़ते हैं।